वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने जो अपना लास्ट केमिस्ट्री का लेक्चर लिया था, उस लेक्चर के अंदर हमने आपको हिस्ट्री ऑफ पीरियड टेबल से रिलेटेड दो अहम हमने आपको अचीवमेंट बताई थी। एक था डूबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड और दूसरा था न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स। कोशिशों के बाद कुछ थोड़ी बहुत कोशिशें और हैं, उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो तीसरे और एक और कोशिश है, उसका नाम है लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन। लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन, इसमें ये भी लग जाता कई। लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन असल में लॉ नहीं है, इन्होंने कोई लॉ पेश नहीं किया था, बल्कि इन्होंने एलिमेंट जो इनके ज़माने में डिस्कवर हुए थे उनको अरेंज किया था। तो हमें उसके की पॉइंट्स ध्यान में रखने, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इनके द्वारा, 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उन्हें इन्होंने अरेंज करके दिखाया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 56 एलिमेंट्स को उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया था। वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया और वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने पहली मरतबा नाम दिया था ग्रुप, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया था और इनकी तादाद थी 128, यानी 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे जिनका नाम इन्होंने रखा था ग्रुप। और इन ग्रुप्स के अंदर जो भी एलिमेंट रखे थे इन्होंने, सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। यानी अगर आप एक वर्टिकल कॉलम में यूं चलेंगे ऐसे, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी मिलेंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट ही रखा है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया था। और इन्होंने अरेंज करने के लिए प्लॉट किया था अ ग्राफ बिटवीन, एक ग्राफ बनाया था इन्होंने, और ये ग्राफ बनाया था इन्होंने एटॉमिक मासेस विद एटॉमिक वॉल्यूम। जो भी एलिमेंट थे उनका एटॉमिक मास लिया था और एक फॉर्मूले के जरिए उनका क्या मालूम किया था, एटॉमिक वॉल्यूम, और एक ग्राफ प्लॉट किया। जब इन्होंने उस ग्राफ को प्लॉट किया था तो उस ग्राफ के जरिए इन्हें बहुत ही अहम किस्म के रिजल्ट्स मिले थे, नतीजे। उन नतीजों को सामने रखकर उन्होंने एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स में अरेंज कर दिया। ग्रुप्स में अरेंज किया था। वो ग्राफ क्या था, वो कुछ इस तरह टाइप का, एक रफ टाइप का मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। एक्चुअल ग्राफ जो है, अगर आपके पास केमिस्ट्री की बुक है तो उसमें आप देख सकते हैं, ये एक रफ टाइप का ग्राफ है। इस जगह पर यहाँ था एटॉमिक वॉल्यूम, वाई एक्सिस में उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम रखा था और एक्स एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक मासेस रखा था, ठीक है। इनका जो ग्राफ था वो एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मासेस के दरमियान था। देखिए इनका ग्राफ इस तरह से बना हुआ था, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा, रफ टाइप का ग्राफ है, इससे पहले बता दिए, बस आइडिया करना है आपको, ठीक है जी। लाइक दिस, इस तरह टाइप है। आप एक्चुअल ग्राफ जो अपनी बुक में देख सकते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर इन्होंने जो खास बात नोट करी, वो खास बात समझे, ये जो ग्राफ का आपको नजर आ रहा है ये हिस्सा, इसको कहते हैं पीक। ये भी पीक है, ये भी पीक है, और ये भी आगे भी, ये ग्राफ ही मैंने पूरा नहीं बनाया। इस पीक पर जो एलिमेंट था वो था लिथियम, इस पीक पर जो था वो था सोडियम, इस पीक पे जो था वो था पोटेशियम, इस पीक पे जो था वो था रूबीडियम। ये सारे एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो इन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि तमाम एलिमेंट्स जो पीक पर आ रहे हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एक जैसी है। बात समझ में आ रही, यानी इस ग्राफ के अंदर ये खास बात थी कि मुख्तलिफ जगहों पर आने वाले एलिमेंट्स की पोजीशंस, ये सारी पोजीशन एक जैसी है, सब पीक्स पर आ रहे हैं। इसके आगे एक और पीक भी थी, उस पीक पर आया था सीजियम, सीजियम की प्रॉपर्टीज भी इन सब के साथ एक जैसी होती है, ये सब एक ग्रुप में रखे गए थे। इस तरह और भी कुछ पोजिशन दिखाता हूँ, जैसे ये ग्राफ नजर आ रहा है तो इस ग्राफ में जैसे ही ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है फ्लोरीन, ये ऊपर चढ़ते हैं यानी ऊपर पीक की तरफ जाते हैं तो यहाँ आता है क्लोरीन, फिर ऊपर चढ़ते हैं ऐसे करके
तो यहाँ आता है ब्रोमीन, सही है। तो ये सारी पोजीशन भी देखें, गौर से देखें, ये सारी पोजीशन भी एक ही जैसे है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाते वक्त एक पोजीशन आ रही है, ऊपर की जाते देखें वही सेम पोजीशन है, ये भी ऊपर जाते वक्त वही एक सेम पोजीशन है। तो ये तीनों जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब भी एक ही जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। इस तरह आपकी बुक में जो ग्राफ बना हुआ है उसे जब आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेम सेम ग्राफ के अंदर आने वाली जगहें जो हैं वहाँ जो एलिमेंट्स थे उन सब की प्रॉपर्टीज कैसी थी, एक जैसी थी। समझ में आया ग्राफ जी? ग्राफ के अंदर जो कुछ एक छोटे थोड़े बहुत मसले थे वो मसले ये थे कि ये ग्राफ तो इन्होंने बना दिया, अब इस ग्राफ में इन्हें जहाँ ये समझ में आया इन्हें कि जो एक जैसी जगह पर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो उन्हें उठा कर उन्होंने ग्रुप में डाल दिया, और उस ग्रुप के अंदर डालने का मतलब ये कि उन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो सारे एलिमेंट जो एक जैसी पोजिशन पर आ रहे थे उन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी भी नहीं थी, ये भी इस ग्राफ का एक ड्रॉबैक है, ऐसी बात है। दूसरा, इस ग्राफ ये ग्राफ जो इन्होंने बनाया था इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को मिसिंग दिखाया गया, यानी ये इस ग्राफ से जो इन्होंने प्रायोरी टेबल डिजाइन किया था ये 8 कॉलम ये इनकम्प्लीट था, यानी इसको सही तरीके से वो इस ग्राफ के साथ मैच करके नहीं बना सके। ये दो अहम ड्रॉबैक हैं, ठीक है। दोनों ड्रॉबैक दोबारा सुनिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन कर सकें। ग्राफ में आने वाले सेम पोजीशन भी, ये तो सारे सेम ही तकरीबन नजर आ रहे हैं, लेकिन जो डिटेल से ग्राफ बना हुआ आपकी बुक के अंदर उसके अंदर देखें तो सेम जगहों पे आने वाले बास एलिमेंट उनकी जगहें तो एक जैसी नजर आ रही है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं थी, ठीक है। तो ये ग्राफ इस हवाले से इतना अच्छा नहीं था। दूसरा, इनके ग्राफ से इन्होंने जब एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह दी तो बहुत सारे एलिमेंट्स ये मिस कर गए, और इनका पीरियोडिक टेबल एक लिहाज से इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल था, यानी ये मुकम्मल पीरियोडिक टेबल वो सही तरीके से नहीं डिजाइन कर सके थे, ठीक है। तो आपको लोजा में क्लासिफिकेशन समझ में, बहुत आसान सी क्लासिफिकेशन है, ग्राफ के जरिए है 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, 8 कॉलम में अरेंज किया था, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम दिया था, इससे पहले ग्रुप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और एक ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम, और उसके अंदर सेम पोजीशन पर उन्हें जो एलिमेंट मिले थे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम थी, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं? तो बेटा आज हमें हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल को फिनिश करना है, और आपने छोटा सा काम जो है ना वो कल लाजमी करके रखना है, ठीक है। ये काम जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और वो काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कल लेंगे अपने हाल से मैं आपको बता देता हूँ क्या काम करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को आपने रिवाइज कर लिया, 1s2, 2s2, 2p6, सही है ना, चैप्टर 3 वाला। कल जब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना तो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी नहीं भूल सकेंगे, आपको फौरन ध्यान में बैठ जाएंगे, तो वो वाला तरीका मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूंगा आपके साथ। और क्योंकि कल हम डिस्कस क्या करेंगे, हमारी हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगी, कल हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आप भी अपने पास बुक रखिएगा, मैं भी बुक रखूंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि उसके हिसाब से डिस्कशन हो सके जहां हमें बुक के पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़े, कि जो पीरियोडिक टेबल बनाए इसमें क्या क्या मामला हैं वो आपको सब समझ में आने चाहिए, सेकंड ईयर में लाजमी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलते हैं अपनी फोर्थ एंड सेकेंड लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, और ये नाम था मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। ये एक कानून की शक्ल में, ये दोनों एक साथ इन्होंने काम शुरू किया था, लॉदरमेयर ने और मेंडलीफ ने, फिर ये दोनों अलग हो गए थे, शायद इनमें कोई इख्तलाफ हो गया था, और लॉदरमेयर ने मेंडलीफ से पहले ही अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दिया था, लॉन्च कर दिया था, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसका पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट तस्वीर किया गया था और वो अप्रिसिएशन नहीं हासिल कर सका, और इसके बाद फिर मेंडलीफ ने अपना काम लोगों के सामने पेश किया। मेंडलीफ ने क्या कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया सॉरी, ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, साइंस में ही ध्यान रखिएगा, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जी ये जो इतना बड़ा मैंने एक जुमला आपके सामने तैयारी करा है उसको समझना है आपने, वो बहुत आसान और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल हो या केमिकल हो, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसकी, उनकी एटॉमिक मास। अब जो असल वर्ड आपने सीखना है ना वो ये पीरियोडिक फंक्शन है। व्हाट इज मीन द पीरियोडिक फंक्शन, हर वो चीज़ जो एक मखसूस गैप के बाद या एक गैप के बाद, मखसूस गैप होना जरूरी नहीं है, एक गैप के बाद रिपीट होती है, उसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन। साल के तौर पे हमारी सालगिरह आती है, तो सालगिरह का जो डे होता है वो डे दोबारा कब आता है, जब पूरा एक साल गुजर जाता है, तो जो पूरा एक साल गुजरा हमारा हम कहेंगे हमारी सालगिरह रिपीट हुई है, तो हमारी सालगिरह पीरियोडिक फंक्शन है। इस तरह मुख्य तरह के मौसम है, सर्दी का मौसम होता है जो एक पूरा गैप कम्प्लीट होता है उसके बाद रिपीट होता है, सही है ना। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब क्लासेस लेते हैं मुख्तलिफ, एक क्लास हो रही है उस क्लास के बाद दूसरी एक और क्या कहते हैं क्लास आती है, यानी आपने आज फिजिक्स ली तो पूरा एक दिन गुजरा, फिर सेम उसी टाइम पे कल दोबारा फिजिक्स की क्लास हुई उसी टाइम पे, तो फिर हम कहेंगे कि फिजिक्स की क्लास भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन समझ में आ रहा है क्या मतलब इसका, पीरियोडिक फंक्शन हर वो चीज जो एक मखसूस इंटरवल के बाद दोबारा से रिपीट होती है उसके लिए हम पीरियोडिक फंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर एलिमेंट्स को आप किस तरह से अरेंज करें, किसकी बेस पे अरेंज करें, एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करें, एटॉमिक मास कैसे अरेंज करें, पहले कम मास वाला फिर ज्यादा मास वाला फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, फिर आगे चलकर आपको खुद ही एक गैप के बाद एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो अपने से पिछले किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, दोहरा रहा होगा। इसी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करते जाए, फिर दोबारा एक एलिमेंट मिलेगा जो किसी पिछले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा होगा, फिर कोई एलिमेंट मिलेगा जो पिछले किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक मखसूस गैप के बाद, ये मखसूस गैप के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, अगर उनको किसके लिए, किसके लिए से अरेंज किया जाए, दरमियान बेसिक क्या फर्क था, तकरीबन ये एक ही जैसे है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है बेसिक। अच्छा, ये न्यूलैंड है, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं न्यूलैंड का लेक्चर दिया था, जी जी ये लिखा होता है सामने ही लिखा होता है, ये रहा और ये रहा, बस इन दोनों में एक बेसिक सा फर्क है। सिर्फ फिजिकल न्यूलैंड में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही थी और मेंडिव्स में फिजिकल और केमिकल दोनों। नहीं ये नहीं है, दोबारा कोशिश करो, जवाब ये नहीं, अगर आप नहीं दे सके मैंने दिया तो आपको अफसोस होगा। इसमें 8 एलिमेंट्स का लिखा हुआ है, इसमें एक नंबर देते हैं 8 एलिमेंट्स, उसके बाद ही रिपीट होगा, लेकिन मेंडलीव में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, वो एक मखसूस दिया हुआ टाइम के आयस के बाद रिपीट हुआ। ये इन दोनों में बेसिक फर्क था, ये आर्ट बोल के फंस गया और इसकी वजह से इसका जो काम था वो इतना अप्रिशिएट नहीं हो सका, और ये आर्ट इसलिए फंस गया कि लाजमी आठवें नंबर वाला ही इसने कहा था रिपीट करेगा, तो इसने कहा नहीं आठवें नंबर वाला लाजमी नहीं है, इसने मखसूस गैप नहीं दिया, मखसूस कोई गैप नहीं दिया, इसने कहा बस एलिमेंट प्रॉपर्टीज अपनी रिपीट करेंगे। जब आप मुझसे पीरियड टेबल पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको गैप भी बताऊंगा, वो गैप क्या होता है जिसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, वो गैप सर आपको भी पता है, वो गैप होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये असल में पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद का गैप है। जो पहला पीरियड होता है उसमें 2 होते हैं, दूसरे पीरियड में 8 होते हैं, तीसरे पीरियड में 8 होते हैं, चौथे में 18, पांचवे में 18, सातवें में 32, छठे में 32 और सातवें में 33, ये होता है वो गैप। ठीक है, चलिए आएगा तो हम डिटेल से बात करेंगे। ये लॉ समझ में आ गया जी, इन्होंने इस लॉ की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक
टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, टेबल की शक्ल में अरेंज किया जो इनके नाम से मशहूर है, और कहलाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल की कुछ खसूसियात हैं और कुछ जो है वो इसके मामला सही नहीं है, तो हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख सकते हैं। ये इसकी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मैं शॉर्ट करके लिखूंगा यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेरिट्स मतलब फायदे समझना जी, क्या फायदे हैं इसके। तो पहला फायदा यह है कि इन्होंने मेंडलीव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीरियोडिक टेबल, एमपीटी का मतलब समझ जाएंगे आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्होंने एलिमेंट्स को पहली मरतबा ग्रुप्स के साथ साथ पीरियड्स में भी अरेंज किया। अगर हम लॉदर मेयर की बात करें तो लॉदर मेयर ने सिर्फ ग्रुप्स में अरेंज किया था, लेकिन इन्होंने पीरियड्स में भी अरेंज किया और ग्रुप्स में भी अरेंज किया। पीरियड्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। अगर आप पीरियड में चलेंगे तो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता रहेगा, यानी जैसे जैसे आप पीरियड में चलते हैं तो जो पहला एलिमेंट होगा उसका दूसरा, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफर होगी। लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर चलेंगे तो उसके अंदर हमेशा एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टीज आपको दिखाएंगे, ये तरीका होता है, सही है ना। यानी अगर आप लेफ्ट से राइट चलती हैं पीरियड टेबल में तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन अगर आप टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप जाएंगे तो आपको सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, तो ज्यादा पॉइंट नहीं है, वैसे काफी सारे पॉइंट हो सकते हैं लेकिन हम ज्यादा नहीं, बस लिमिटेड पॉइंट ही डिस्कस करेंगे ताकि बस आपका कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो जाए। तो सेकंड पॉइंट इनका क्या था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस, ये बड़ी जबरदस्त बात थी, लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर खाली जगह, जी बिल्कुल, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये इतनी बड़ी बात थी जो उस जमाने के अंदर लोगों को हिलाने के लिए काफी थी, कि इसने बड़ी मजबूती के साथ जो अपना पीरियड टेबल बनाया, इसने क्या करा, इसने एक एलिमेंट उठाया, उसने कहा अच्छा भाई ये एलिमेंट ये यहाँ आएगा, दूसरा उसके बराबर में एलिमेंट, अच्छा ये इसके बराबर में, फिर तीसरा, फिर इसके बाद इसने चौथा उठाया तो उसे लगा नहीं ये यहाँ नहीं आ सकता इनके बराबर, बल्कि यहाँ तो कोई और ही आएगा और इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ इसके हिसाब से इस तरह करके वो होनी चाहिए। तो इसने ये मान लिया कि इस जगह पर जो एलिमेंट है वो उस जमाने में डिस्कवर नहीं हुआ, इसने वहाँ जगह छोड़ दी और आगे बढ़ गया। इस तरीके से इसका जो पीरियड टेबल अगर हम देखें, टेबल ऑफ एवरेज, अगर आप इसके एक्चुअल नेट पे जाएं, यानी गूगल पे जाएं और वहाँ पे जाके मेंडलीव पीरियड टेबल एक्चुअल टेबुलर फॉर्म करके ऐसे करके लिखें इमेजेस, इसके एक्चुअल इमेज आपको मिल जाएगी, तो उसमें देखेंगे आपके मुख्तलिफ जगहों पर जगह छुटी हुई नज़र आ रही है और वहाँ पर जो एलिमेंट है वो मौजूद नहीं है, सही है, नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। और तीसरी जो बात है वो यकीनन इसके हिसाब से बड़ी अहम बात थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ये मैं शॉर्ट में एमपीटी लिख रहा हूँ, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर एक खास बात क्या थी, प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ये देखें बहुत ही बड़ी बात है ये, जिसकी वजह से मेंडलीव जो है सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था। मेंडलीव ने क्या करा, उसने जो एलिमेंट उस जमाने में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे जिसके लिए इसने जगह छोड़ी थी, इसने उन एलिमेंट सबकी नहीं, इसने उन एलिमेंट्स की, कुछ कुछ एलिमेंट्स की इसने क्या करी थी, प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, पेशेंट गोई, ये प्रेडिक्ट आप भी कर सकती हैं। ये प्रेडिक्ट करना किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट चल रहे आप इस 12th क्लास के अंदर हैं तो मैं आपसे बोलूँ आप भी जरा मुझे बताएं मोंटेसरी क्लास के बच्चों के बारे में कुछ खसूसियात बताएं, तो आप उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी क्लास का बच्चा इस क्लास में होना चाहिए, उसका कद काठ इतना होना चाहिए, आ रही बात समझ, प्रेडिक्शन करने का तरीका, उसका कद काठ इतना होना चाहिए, कद में इतना होना चाहिए, उम्र में इतना होना चाहिए, उसका आई क्यू लेवल ऐसा होगा, यूं करके ऐसे करके, ठीक है। और अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर है तो उसकी कलर जो कॉम्प्लेक्स है वो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकती हैं, इस कलर कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, ये मैं आपको एक मिसाल दे। तो जो केमिस्ट है उसने भी इस तरह से प्रेडिक्शन करी, उसने क्या करा कि एलिमेंट रखा फिर उसे लगा भाई यहाँ का एलिमेंट इस वक्त मौजूद नहीं है, इसके बराबर एलिमेंट रखा, फिर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को उसने देखा और उसके हिसाब से इसने ये जो मिसिंग एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, आसानी प्रेडिक्ट कर दिया, पेशेंट को। अच्छा प्रेडिक्ट करना एक तो होता है प्रेडिक्ट कर देना, जैसे हमारे अक्सर मैक्रोमोसियस वाले बाद में प्रिडिक्ट करते हैं, आपने देखा होगा
बारिश होगी और पता चल रहा है कि वो बारिश नहीं होती, बाद इस तरह करके और हो भी जाती है नो डाउट। और बाद दफा ऐसा होता है कि आज बहुत तेज गर्मी होगी और पता चला बारिश हो जाती है, ऐसी बात उनकी प्रेडिक्शन तो अजीब ही है यार, हो भी जाती है सही, ऐसी बात नहीं है। इसने जो प्रेडिक्शन करी वो बड़ी अच्छी थी, इसने जो प्रेडिक्शन करी और बताया कि ये फला एलिमेंट होगा, इसका कलर ऐसा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, फला से रिएक्शन नहीं करेगा, फला से रिएक्शन करेगा। और दिलचस्प बात है आगे चल के कुछ अरसे के बाद ये एलिमेंट दरियाफ्त हुआ है और वो एलिमेंट सेम उसी प्रॉपर्टी से दरियाफ्त हुए जो इसने क्या करी थी, प्रिडिक्ट करी थी। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है जो कि मेंडलीव को हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाजों में आता। इसकी सारी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई थी, बस इसकी दो तीन प्रेडिक्शन ही सही हुई थी, लेकिन वो दो तीन प्रेडिक्शन सही होना भी बहुत बड़ी बात। ठीक है, ये थी मेरिट्स। मेरिट्स समझ में आ गई सारी? ठीक है, मेरिट्स क्लियर हो गए। अब इसके डी मेरिट्स देखते हैं। डी मेरिट्स मेंडलीव्स पीरियड टेबल। मैं आपको इसके अंदर ये बात बताता चलूं कि इसकी डी मेरिट्स के अंदर में से सिर्फ एक आध दो इसकी डीमेरिट्स हैं, बाकी इसकी डीमेरिट्स नहीं है। वो डीमेरिट्स ही बनाए गए और वो किस तरीके से डीमेरिट्स बनाए गए मैं आपको भी बताता हूँ। आपने मोबाइल का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर मोबाइल रह चुका है, नोकिया 3310 3310 नाम सुना है इसका। ये मोबाइल जो है वो आज से तकरीबन अराउंड 20 साल पहले तकरीबन ये आया था, अराउंड 18-19 साल पहले आया था। जब जिस तरह का आज का मोबाइल है उसके मुकाबले में तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना एक मोबाइल। अब अगर कोई कहे कि भाई नोकिया 3310 के अंदर प्ले स्टोर नहीं था तो बताएं गलती किसकी, उस ज़माने के हिसाब से दरियाफ्त की बात कर रहा हूँ तो फिर हम क्या बोलेंगे भाई प्ले स्टोर तो उस ज़माने में डिस्कवरी नहीं हुआ था, ना बनाया गया था प्ले स्टोर जो स्मार्टफोन का प्ले स्टोर होता है। अच्छा भाई इसके अंदर गूगल नहीं था तो भाई उस ज़माने गूगल नहीं था, फेसबुक नहीं थी इसके अंदर, व्हाट्सएप नहीं था, तो फिर क्या जवाब देंगे आप सामने से, आसान से जवाब देंगे भाई ये जब उस ज़माने तो फिर ये चीज़ें कैसे आएंगी, ऐसी बात है ना। तो ये सारी बातें जिस तरीके से मैंने आपको बताई ना, ये सारी बातें बिल्कुल इस तरह करके मेंडलीव ने, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया था तो लोगों ने इसके काम के अंदर कीड़े निकाले। अभी मैं आपको डीमेरिट्स बताऊंगा तो आप कहेंगे आप सही कह रहे हैं कि वाकई में ये गलतियां एक्चुअली इसकी नहीं है। चले मैं आप उनमें से कुछ डिस्कस करके, एक आध दो गलतियां हैं इसकी। सबसे पहले मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक मास को बेस बनाया गया, एटॉमिक मास को बेस बनाया गया। ठीक है, एटॉमिक मास के, लेकिन जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, मॉडर्न पीरियड टेबल 19वीं सदी में बना था। ठीक है, और मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो किसकी बेस पर अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया। ये वाला इसका ड्रॉबैक तो नहीं है, क्योंकि जिस जमाने में मेंडलीव काम कर रहा था उस जमाने में एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ था, उस जमाने में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे, जबकि एटॉमिक नंबर का ताल्लुक प्रोटॉन से होता है हमेशा। तो एक चीज जब डिस्कवर ही नहीं हुई थी तो हम उसको किस तरीके से यहाँ पे अरेंज करते थे, किस तरीके से अरेंज करते, तो ये गलती एक्चुअली मैं मेंडलीव की गलती तस्वीर नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये डीमेरिट्स के अंदर काउंट कर ली जाती है। नंबर टू, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर उसने दो चीज़ों के लिए जगह नहीं छोड़ी थी या जगह नहीं रखी थी, एक था आइसोटॉप्स और दूसरा था नोबल गैसेस। ये वाला पॉइंट भी मेंडलीव के ऊपर पूरा नहीं होता था, वजह आइसोटॉप्स उस जमाने में डिस्कवर हुए ही नहीं थे। आइसोटॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, किसी भी एलिमेंट के वो डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, या प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। तो आइसोटॉप्स तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे और नोबल गैसेस भी उस जमाने में डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, तो फिर अगर एक चीज दरियाफ्त ही नहीं हुई थी तो ये उनके लिए अलग से कोई स्पेशल टाइप की जगह क्यों छोड़ता। खैर ये मसला हल कर दिया गया है, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर नोबल गैसेस के लिए अलग से ग्रुप बना दिया गया है जिसका नाम है 0 ग्रुप या ग्रुप 8। और आइसोटॉप्स के लिए क्या पॉइंट रखा गया है, आइसोटॉप्स के लिए रखा गया है कोई भी एलिमेंट जो पीरियड टेबल में होगा उसका जो सिंबल पीरियड टेबल में दिखाया जाएगा वही सिंबल अपने तमाम आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी अगर आप हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हाइड्रोजन का मतलब है ये इसके सारे आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मसले का हल निकाल दिया गया आइसोटोप्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी सी आपने लेट ज्वाइन करी थी, दूसरी क्लास का टाइम बस खत्म होने वाला है, तो तीसरा पॉइंट देख लीजिए जी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने क्या करा, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इसके अंदर इन्होंने जो मेटल्स थे, अब मैं मेटल्स आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक मेटल होता है अल्कली मेटल्स और एक होता है क्वाइन एज मेटल। ये दोनों में जो चीज सेम आ रही है वो क्या लफ्ज सेम आ रहा है? मेटल का लफ्ज सेम आ रहा है इसके अंदर। अल्कली अलग है, क्वाइनेज अलग है। क्वाइनेज होती है सिक्का बनाने वाली धातु है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर जो है, सिल्वर, गोल्ड, ये क्वाइनेज कहलाते हैं। अल्कली जो होते हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसने क्या करा, मेंडलीव ने जो गलती करी, इसने देखा कि ये मेटल्स हैं तो इनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। ये मेंडलीव की गलती है, बाकी में गलती है, क्योंकि उसने इनको प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर वो इनको सही से जज करता तो ये अल्कली मेटल्स अलग अरेंज होने चाहिए थे और क्वाइनेज मेटल्स अलग अरेंज होने चाहिए थे। तो इसने अल्कली और क्वाइनेज मेटल को साथ जोड़ लिया था। ये मसला हल कर दिया गया है मॉडर्न पीरियड टेबल में। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ए ग्रुप में जाते हैं और क्वाइनेज मेटल जो होते हैं वो बी ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल में ग्रुप्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, इस तरह करके दो हिस्सों में। चौथा और आखिरी पॉइंट देख ले, ये पॉइंट चौथा और जो आखिरी जिस पर हम अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं, और वो पॉइंट ये था कि इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स को इन्होंने किस बेस पर अरेंज किया था, एटॉमिक मास। पहले कम मास वाला, फिर ज्यादा मास, फिर ज्यादा मास, फिर ज्यादा मास, सही है। लेकिन उन्होंने कुछ जगहों पर आके ये अटक गए, फंस गए और बहुत बुरी तरीके से फंस गए। अब इंसान जब कामयाबी के बहुत नजदीक होता है तो वो छोटी मोटी गलतियां कर जाता है। आप एक स्टूडेंट की मिसाल ले लें, एक बच्चा है वो पेपर दे रहा है, बहुत जल्दी सबको लिखता जा रहा है सब आ रहा है और टाइम खत्म होता जा रहा है पेपर देने का, तो आखिरी के लम्हात हैं तो उसके अंदर कोई चीज़ हल्की फुल्की उसके जहन में गुड मूड हो गई ना, तो वो उसको भी चला देगा, क्योंकि उसे पता है मैं ऑलरेडी सारा पेपर तकरीबन सॉल्व कर चुका हूँ। लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ जो उसने गुड मूड कर दी है, गड़बड़ कर दी है, उसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ हो गई। इसने गड़बड़ क्या करी, देखिए ये दो एलिमेंट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक का आर्गन 40 और दूसरा था पोटेशियम 39। अब आप बताइए पहले कौन सा आना चाहिए, आर्गन 40 पोटेशियम। अब दूसरे तो इन्होंने क्या करा, गलती समझ गए होंगे आप, इन्होंने आर्गन पहले रख दिया, इन्होंने आर्गन पहले रख दिया और जो पोटेशियम था उसको इन्होंने बाद में रख दिया। अच्छा, मैं एक चीज और सॉरी करेक्शन कर दूं, माजत थोड़ी सी। यहाँ पे नोबल गैसेस उस जमाने में डिस्कवर्ड हो गई थी, सारी नहीं हुई थी, कुछ हुई थी, लेकिन उन्होंने नोबल गैसेस को मिक्स कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हमारे पास आता है टेलीरियम। टेलीरियम होता है 127.2 और आयोडीन 126.7। अब आप बताइए खुद सोच के, इन्होंने किसको पहले कर दिया होगा, किसको बाद में कर दिया होगा? जी तो कहते हैं टेलीरियम, आयोडीन को पहले, हाँ टेलीरियम को इन्होंने पहले कर दिया, इसे टेलीरियम कहते हैं, और इन्होंने आयोडीन को बाद में कर दिया, जबकि एक्चुअली आयोडीन पहले आना चाहिए और टेलीरियम बाद में। ये मसले का भी अब हल निकाल दिया गया है। इन एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास की जगह इनके एटॉमिक नंबर से अरेंज करें तो खुद ब खुद पोटेशियम पहले और आर्गन बाद में आ जाता है, और आयोडीन पहले और टेलीरियम बाद में आ जाता है। बताइए यहाँ तक का सारा लेक्चर क्लियर हो चुका है आज का? अच्छा, तो भाई इंशाल्लाह फिर आपसे कल सेम इसी टाइम में मुलाकात होती है। हिस्ट्री का एक टॉपिक और रह गया है, मॉडर्न पीरियड टेबल, मॉडर्न पीरियडिक लॉ, वो बहुत ही छोटा सा है, वो इंशाल्लाह कल करा दूंगा। और कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, आज का काम अभी मैं आपको तस्वीरें खींच के शेयर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।